नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जीएम सर आरपीएस। आज अपन एक डे और डेट से जुड़े क्वेश्चन की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या है, किसी वर्ष की 27 अगस्त को शनिवार है तो उस माह यानी कि अगस्त में कुल कितने सोमवार होंगे। एक तारीख का आपको वार पता है और कुछ कोई दूसरा वार ज्ञात करना है, यानी कि उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, दे रखा है 27 अगस्त। 27 अगस्त को आपको वार दे रखा है शनिवार। क्या दे रखा है? शनिवार। ठीक है, ये रहा शनिवार। 27 अगस्त के बाद आपका 28 अगस्त और 28 अगस्त को आपका वार हो जाएगा रविवार। क्या हो जाएगा? रविवार। और 28 अगस्त के बाद 29 अगस्त आ गई और 29 अगस्त का आपका वार हो जाएगा सोमवार। यानी कि अपन सोमवार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपन को सोमवार ज्ञात करने हैं। अब 29 अगस्त को यदि सोमवार है तो इससे 7 दिन पहले भी क्या होगा? सोमवार। यानी 29 से 7 दिन पहले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 22 अगस्त। तो 22 अगस्त भी आपका क्या है? सोमवार है। अब 22 से 7 दिन पहले अगर जाएंगे यानी 22 में से 7 कम करोगे तो आपका आएगा 15 अगस्त। और 15 अगस्त को भी आपका क्या होगा? सोमवार होगा। और 15 अगस्त से 7 दिन पहले यानी कि कम करके 8 अगस्त, तो 8 अगस्त भी आपका होगा सोमवार। 8 में से 7 कम करके आ जाएगा 1 अगस्त, तो 1 अगस्त भी सोमवार है। इनकी एक ये 1 अगस्त को सोमवार, 8 अगस्त को सोमवार, 15 अगस्त को सोमवार, 22 अगस्त को सोमवार और 29 अगस्त को सोमवार। यानी कुल मिला इस माह में 5 सोमवार होंगे। कितने सोमवार हो गए? 5। और कौन सी तारीख को है ये भी आपको पता चल गया। डे और डेट से जुड़े और भी क्वेश्चन देखने हो तो अगर ऐसा साइन नीचे आ रहा है वीडियो के उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।